रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। सांसद अनुराग ठाकुर को राज्य मंत्री बनाए जाने पर हमीरपुर में कार्यकर्ताओं ने लाइव टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह का प्रसारण देखा और इस दौरान गांधी चौक पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चौथी बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर संसद पहुंचे अनुराग ठाकुर को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने पर गृह जिला हमीरपुर में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। जैसे शाम के समय अनुराग ठाकुर की ताजपोशी केंद्र राज्य मंत्री के पद पर होने की बात सामने आई तो बीजेपी कार्यकर्ता गदगद हो गए। देर रात को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। सांसद अनुराग ठाकुर को राज्य मंत्री बनाए जाने पर हमीरपुर में कार्यकर्ताओं ने लाइव टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह का प्रसारण देखा और इस दौरान गांधी चौक पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चौथी बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर संसद में पहुंचे अनुराग ठाकुर को केंद्रीय राज्य मंत्री में बनाए जाने पर गृह जिला हमीरपुर में खुशी का माहौल है। जैसे शाम के समय अनुराग ठाकुर की ताजपोशी केंद्रीय राज्य मंत्री पद पर होने की बात सामने आई तो बीजेपी कार्यकर्ता गदगद हो गए। देर रात को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर को केंद्रीय कैबिनेट में पद मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमीरपुर जिला से पहली बार कोई सांसद केंद्रीय कैबिनेट में जगह बना पाया है, जो कि गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि जब अनुराग ठाकुर हमीरपुर आएंगे तो अनुराग का भव्य स्वागत किया जाएगा। आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हर एक हमीरपुर के लिए बहुत ही आज उत्साह और जोश भरा दिन है। हमारे सांसद अनुराग सिंह ठाकुर आज हिंदुस्तान के मंत्री बने हैं। हम सबके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज हमीरपुर के लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। मैं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को, जो आप इस देश के मंत्री बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के विकास को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करी थी और हमीरपुर के प्रत्येक वासी का जीवन खुशहाल करने के लिए कठिन प्रयास किए थे, मैं आशा करता हूँ वे आगे भी उसी प्रकार इसी अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को, हिमाचल प्रदेश को और भारत को पूरे विश्व भर में सबसे आगे लेकर जाएंगे। यही मेरी आशा और शुभकामनाएं ठाकुर के लिए हैं। आज जो हमीरपुर में माहौल बना हुआ है वो काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि अनुराग सिंह ठाकुर जी ने पिछले काफी सालों से काफी मेहनत की थी और हमीरपुर को जो दाग लगा था वो आज सारे के सारा धुल गया है। आज पूरे हमीरपुर में अनुराग सिंह ठाकुर जी की वजह से काफी गौरवित है, क्योंकि अनुराग सिंह ठाकुर ने पहले भी हमीरपुर को कई बार खुशी के पल दिए, लेकिन आज जो खुशी का पल है उससे पूरा हमीरपुर झूम रहा है। और मैं अनुराग सिंह ठाकुर जी को भी काफी बधाई देता हूँ युवा मोर्चा की तरफ से, कि उन्होंने आज जो कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर या राज्य स्तर के मिनिस्टर जो बने, आज तक इतिहास में 1947 के बाद हमीरपुर संसद के जो सांसद हैं वो पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने, मैं उनको युवा मोर्चा की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।